हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल 1.4 बिलियन क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं गंगा ब्लास्ट क्रूज के बारे में। नाम बहुत ऐतिहासिक है, काम भी बहुत ऐतिहासिक है, पर एक नोट डाउन करवा दूं एक बात, ये क्रूज हम लोगों के लिए नहीं है। ये क्रूज है उन लोगों के लिए जिनकी सालाना इनकम करोड़ों रुपये है, जिनके पास पैसों का कोई हिसाब नहीं है। आम आदमी, मिडिल क्लास व्यक्ति इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं। देश में विकास हुआ है, मोदी जी ने बहुत सारी बातें बताई इसके बारे में, कुछ फैक्ट हम जानते हैं जिससे कोई पेपर में आए तो हम लिख सकें, और देश में इतना विकास हो रहा है तो जानना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कुछ खास बातें इस गंगा ब्लास्ट क्रूज के बारे में। इसकी यात्रा 51 दिन की रहेगी, दूरी लगभग 3200 किलोमीटर तय करेगा। किराया सबसे बड़ी बात है 19 लाख रुपये, अगर सुइट बुक करते हो तो 38 लाख तक का किराया हो सकता है, मतलब आम इंसान मिडिल मैन के लिए ये नहीं है। क्रूज का रूट दो नेशनल वाटरवे को कनेक्ट करता है, पहला गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम और सेकंड है आपका ब्रह्मपुत्र। थर्ड, आपका एक चीज़ याद रखना कि ये बांग्लादेश से निकल रहा है, क्योंकि आपको असम के लिए ये बांग्लादेश होते हुए जा रहा है, तो कोलकाता से धुबरी वाला रूट भी लेके जाएगा ये। रास्ते में 27 नदियाँ पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट हैं गंगा भागीरथी हुगली मेघना पद्मा जमुना ब्रह्मपुत्र। 5 राज्य से गुजरेगी और बांग्लादेश से गुजरेगी। राज्य कौन कौन से होंगे, यूपी, फिर बिहार आपका, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश और असम। 50 से ज़्यादा पर्यटन स्थल होंगे जहाँ विभिन्न इंपॉर्टेंट जो सिटी हैं वो हैं वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। सुविधाएं आपकी सारी वो रहेंगी जो क्रूज में रहती हैं, रेस्टोरेंट, बार, स्पा वगैरह। 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में आपको खाना मिलेगा, इंडियन फूड मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल फूड मिल जाएगा, आउटडोर सीटिंग होगी, ये सब व्यवस्थाएँ होंगी क्योंकि इतना पैसा वो ले रहे हैं। खासियत आपकी 62.5 मीटर लंबा है, 12.8 मीटर चौड़ा है। फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा है, 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है, और वाटर टैंक आपका 60,000 लीटर का है। ग्रीन इनिशिएटिव है क्योंकि इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, आपका वेस्ट वाटर होगा, उसे फिल्टर्ड करने के बाद गंगा में छोड़ा जाएगा, तो मतलब वो गंगा के लिए हार्मफुल नहीं है। गंगा का वाटर नहाने के लिए जब यूज करेंगे तो उसे भी फिल्टर्ड करेंगे। 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी सारे फॉरनर्स विजिट कर, पहली जो यात्रा निकली है वाराणसी से उसमें फॉरनर्स हैं ज़्यादातर। तो ठीक है, आपको जाना हो तो ज़रूर घूम के आना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।